subscribe to Qs, press the bell icon and never miss an update. कुछ भी नहीं है, बस मीडिया वाले एक वो प्रोग्राम बनाए हुए, कुछ भी नहीं। इंडियन वहाँ से फेल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए भेजे गए एयर इंडिया का विमान 139 यात्रियों को सुरक्षित लेकर रविवार की शाम वापस दिल्ली पहुंच गया है। इंडिया का विमान AI-244 अफगानिस्तान ऐसे वक्त पर यात्रियों को लेकर आया है जब वहां पर काबुल को छोड़कर अधिकतर इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हालात बड़े खराब है। अच्छा, काबुल में आप कितने लोग आए हैं और आपका क्या पेशा है वहाँ पे? हम एयर इंडिया फ्लाइट में आए हुआ है, तकरीबन कोई 200 आदमी थे। अच्छा, सारे डिप्लोमेटिक थे और हमारे साथ उस्ताद सयाब भी थे, हमारा जिहादी रहबर जो था वो भी था, सारा डिप्लोमेट और सियासी पॉलिटिकल लोग थे। आप भी डिप्लोमेट हैं? क्या नाम है? मेरा डॉक्टर रिजवानुल्लाह मजे। नहीं, किसी ने नहीं बताया कि लाश भाई किसी ने नहीं। सर वहाँ पे ये परसेप्शन बना हुआ है कि लेडीज और बच्चों को काफी खतरा है तालिबान। फिलहाल तो काबुल आया नहीं, तालिबान जब आए नहीं तुम्हें क्या। लेकिन आज जो प्रेजिडेंट थे अफगान के वो तो छोड़ गए देश को, वो पॉलिटिक्स में हमारे को आगे आपको पता नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या है, हम आगे क्या बता रहे हैं। ना कोई सरकारी प्रेजिडेंट का कोई रिश्तेदार है ना वही पे, मतलब सर बताया जा रहा है मेडिकल फैसिलिटी सारी बंद हो गई है। अगर नहीं सारा कुछ सर शरीयत लॉ का है। नहीं नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं था, आज कल देखेंगे कल क्या हो रहा है। देयर वाज जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैफिक गोइंग ऑन, लाइक द कार्स वर मोर देन यूजुअल एंड द पीपल वर जस्ट गोइंग टू द बैंक्स एंड टेकिंग आउट द मनी बिकॉज़ देयर इज डिसबिलीफ अमंग द पीपल एंड या जस्ट दैट नो वायलेंस और एनी अनटू। नाउ इट इज द सिचुएशन इज गेट कॉम, नथिंग इज हैपनिंग। Spokesman, they said that there will be no such a big problem for women as well, and we will keep the last 20 years everything that we have received during the last 20 years, we will keep all these positive points.